पर्यटन की दृष्टि से नादौन को विकसित करने के लिए जहां प्रदेश सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का खाका तैयार किया गया है, तो वहीं अब केंद्र सरकार ने भी इको टूरिज्म पार्क के लिए 2 करोड़ की राशि जारी कर दी है। विधानसभा क्षेत्र नादौन की ग्राम पंचायत हडेटा में इको टूरिज्म पार्क का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत हडेटा नादौन विधानसभा क्षेत्र की सीमांत पंचायत है तथा इसके आगे बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सीमा शुरू हो जाती है। इको टूरिज्म पार्क के निर्माण कार्य के लिए 5.25 करोड़ रुपए की DPR मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र सरकार ने इको टूरिज्म पार्क के निर्माण के लिए पहले फेज में 2 करोड़ का बजट जारी किया है। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत जो है वन विभाग जो है हरेटा पंचायत में जो है एक इको पार्क का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए बजट का प्रावधान हो चुका है। इस पार्क में जो है हम लोग एक एंट्री गेट बनाएंगे, पूरी पार्क की फेंसिंग करेंगे, पूरी पार्क में जो है वॉकिंग ट्रेल्स बनाएंगे, उसके अराउंड प्लांटेशंस करेंगे, एक पूल जो है वाटर पॉन्ड जो है उसका जो है हम रिनोवेशन करेंगे, साथ के साथ ही हम चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे, योगा पॉइंट बनाएंगे, वॉच टावर्स बनाएंगे और रात में रहने की व्यवस्था के लिए जो है हम लोग कॉटेजेस बनाएंगे। साथ ही जो है हम जो लोकल SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका डिस्प्ले, उनको बिक्री के लिए जो है एक हम लोग आउटलेट भी बनाएंगे और एक कैफेटेरिया का भी प्रावधान है इसमें। तो इन ऑल एक ये ऐसा पार्क रहेगा जहाँ पे हम लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो हमारा पोटेंशियल है टूरिज्म पोटेंशियल उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दिव्य हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। पर्यटन की दृष्टि से नादौन को विकसित करने के लिए जहां प्रदेश सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का खाका तैयार किया गया है, तो वहीं अब केंद्र सरकार ने भी इको टूरिज्म पार्क के लिए 2 करोड़ की राशि जारी कर दी है। विधानसभा क्षेत्र नादौन की ग्राम पंचायत हडेटा में इको टूरिज्म पार्क का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत हडेटा नादौन विधानसभा क्षेत्र की सीमांत पंचायत है तथा इसके आगे बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सीमा शुरू हो जाती है। इको टूरिज्म पार्क के निर्माण कार्य के लिए 5.25 करोड़ रुपए की DPR मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र सरकार ने इको टूरिज्म पार्क के निर्माण के लिए पहले फेज में 2 करोड़ का बजट जारी किया है। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत जो है वन विभाग जो है हरेटा पंचायत में जो है एक इको पार्क का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए बजट का प्रावधान हो चुका है। इस पार्क में जो है हम लोग एक एंट्री गेट बनाएंगे, पूरी पार्क की फेंसिंग करेंगे, पूरी पार्क में जो है वॉकिंग ट्रेल्स बनाएंगे, उसके अराउंड प्लांटेशंस करेंगे, एक पूल जो है वाटर पॉन्ड जो है उसका जो है हम रिनोवेशन करेंगे, साथ के साथ ही हम चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे, योगा पॉइंट बनाएंगे, वॉच टावर्स बनाएंगे और रात में रहने की व्यवस्था के लिए जो है हम लोग कॉटेजेस बनाएंगे। साथ ही जो है हम जो लोकल SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका डिस्प्ले, उनको बिक्री के लिए जो है एक हम लोग आउटलेट भी बनाएंगे और एक कैफेटेरिया का भी प्रावधान है इसमें। तो इन ऑल एक ये ऐसा पार्क रहेगा जहाँ पे हम लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो हमारा पोटेंशियल है टूरिज्म पोटेंशियल उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दिव्य हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।